हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आपके भी इंस्टाग्राम में रिफ्रेश नहीं हो रहा है? क्या आपके इंस्टाग्राम में कुडंट रिफ्रेश फीड का प्रॉब्लम आ रहा है? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। सो यहाँ पर अब हम अपने फोन पे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इंस्टाग्राम को ओपन किया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि जब भी मैं इसे ओपन करता हूँ और रिफ्रेश करने की कोशिश करता हूँ तो ये रिफ्रेश नहीं होता है और ये चल नहीं रहा है हमारा इंस्टाग्राम। यहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ आ जाता है कुडंट रिफ्रेश फीड। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिफ्रेश किया मैंने वापिस से और वापिस से वही लिखा हुआ यहाँ पे आएगा कुडंट रिफ्रेश फीड। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। तो ये क्यों आता है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली आपके इंटरनेट कनेक्शन के कारण आता है, लेकिन यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं कि मैंने इंटरनेट कनेक्शन जो है वो ऑन करके रखा हुआ है, फिर ये क्यों ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले तो आप यहाँ से बाहर आइए और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स बताने जा रहा हूँ जो आपको फॉलो करना है, उसके बाद ये प्रॉब्लम आपका ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर से आपको स्लाइड करना है और यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है, सबसे पहले तो आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो ऑन होना चाहिए, जो कि मेरा यहाँ पे ऑन है। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका जो नेटवर्क है, जिस भी नेटवर्क में आप यूज कर रहे हैं इंटरनेट को, उसमें आपका प्रॉपर नेटवर्क आ रहा है कि नहीं। तो नेटवर्क तो हमारा आ रहा है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको एक बार एयरप्लेन मोड को ऑन कर लेना है, उसके बाद यहाँ से इसे ऑफ कर देंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नेटवर्क आ गया है, कनेक्शन भी आ गया है और हमारा मोबाइल डाटा जो है वो भी ऑन है। तो अब आप जाके इंस्टाग्राम में चेक कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो अब आपको मैं सेटिंग बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको जाना है सेटिंग्स पे, उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पे मिलेगा ऐप मैनेजमेंट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऐप लिस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम को ढूंढना है। चलिए इंस्टाग्राम ये रहा, इंस्टाग्राम पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको एक बार फोर्स स्टॉप करना है, इसे फोर्स स्टॉप मैंने कर दिया। फोर्स स्टॉप करने के बाद ये जब ओपन होगा तो ये रीस्टार्ट होके ओपन होता है, जिससे ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। अगर तो फोर्स स्टॉप करने के बाद अब यहाँ पे आपको स्टोरेज यूजेज पे जाना है और यहाँ पे आपको क्लियर कैच करना है। क्लियर कैच सिर्फ आपको करना है, क्लियर डाटा नहीं करना है। मैं आपको पहले बता दूं, क्लियर डाटा करने से आपका आईडी जो है वो लॉग आउट हो जाएगा, तो क्लियर डाटा नहीं करना है। और अब यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग होता है डाटा यूजेज डिटेल्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। चेक कर लेना है कि यहाँ पे ये जो दोनों ऑप्शन है ये दोनों ऑन नहीं रहना चाहिए। ये दोनों जो ऑप्शन है वो इंटरनेट को ब्लॉक कर देता है, जिससे उस टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसे आपको ऑफ कर लेना है। अगर ये इसमें से कोई भी ऑन है तो इसे ऑफ कर लीजिए दोनों को। उसके बाद यहाँ से बाहर आइए और यहाँ का सेटिंग हमारा हो गया है कंप्लीट। और अब आपको इंस्टाग्राम में जाके चेक करना है कि अब आपका वहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो इंस्टाग्राम है वो सक्सेसफुली यहाँ पे रिफ्रेश हो गया है, देख सकते हैं रिफ्रेश हो रहा है। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका फिर भी नहीं होता है तो आपको एक बार अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना है और आपको डाटा चेक कर लेना है, कहीं आपका डाटा तो ख़त्म नहीं हो गया है। ये भी प्रॉब्लम होता है कई बार, तो इसके कारण भी हमारा ये प्रॉब्लम आता है। तो इसी तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इसी तरह से आप इस इंस्टाग्राम के प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं।